नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बात करेंगे रिलायंस पावर की देखिए क्वार्टर फोर के रिज़ल्ट अनाउंस हुए हैं चलिए बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने वाले हमारे पास कंपनी ने क्वार्टर फोर में कैसा परफॉर्म किया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और चलते हैं कंपनी के क्वार्टर फोर के रिजल्ट की ओर चलिए हम आ चुके हैं रिजल्ट्स के ऊपर बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे कंपनी के, के रेवेन्यू फॉरम ऑपरेशन के साथ तो देखिए इस बार जो रेवेन्यू जनरेट किया गया मैं उसकी बात करता हूँ तो वो आपके पास यहाँ पे वन लाख एंड सेवनटी टू थाउजेंड लैक था जो कि लास्ट क्वार्टर की बात करें तो वो था वन लाख एट्टी एट थाउजेंड लैक और लास्ट ईयर था वन एट वन लाख एट्टी फोर थाउजेंड लाख रवेन्यू में गिरावट हुई है क्वार्टरली वाइज भी गिरावट देखी गई है एज वेल एज ई ऑन ईयर बेसिस पे भी गिरावट हुई है उसके बाद टोटल इनकम की बात करता हूँ तो देखिए टोटल इनकम आपके पास कितनी है वन लाख एंड एटी फाइव थाउजेंड लैक की लास्ट क्वार्टर में थी वन लाख नाइनटी थ्री थाउजेंड लख लास्ट ईयर थी वन लाख एटी सेवन थाउजेंड लैक तो आपको जो कंपनी की टोटल इनकम है उसमें भी गिरावट देखने को मिली है क्वार्टरली वाइज भी एज वेल एज ईयरली वाइज भी इसमें एक माइनर गिरावट है उसके बाद आता है टोटल एक्सपेंस देखिए एक्सपेंस की बात करें तो टू लाख एंड सेवेंटी टू थाउजेंड लैख के एक्सपेंस यूज हुए हैं लास्ट क्वार्टर टू लैख ट्वेल्व थाउजेंड लैके लास्ट ईयर थे टू लैख सिक्सटी टू थाउजेंड लैक तो कंपनी के आपके पास जो एक्सपेंस है उसमें भी आपको इंक्रीज़ देखने को मिला है देखिए कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ है कंपनी का आपके पास टोटल इनकम कम हुई है बट कंपनी के एक्सपेंस की बात करें तो कंपनी ने एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए हैं कंपनी के एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं क्वार्टरली वाइज भी ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर भी तो उसके बाद आते हैं नेक्स्ट कंपनी के प्रॉफिट की हो तो देखिए यहाँ पर डेट सीजन नेट प्रॉफिट की बात करने वाले हूँ तो देखिए यहाँ पे सारे टैक्सीज पे आउट करने के बाद जो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी के पास निकल के आया उसके बाद करता हूँ तो वो आपके पास यहाँ पे देखिए प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड उसके बाद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो ये आपके पास है यहाँ पे थर्टी टू थाउजेंड लैख का प्रॉफिट है लास्ट क्वार्टर में ट्वेंटी नाइन थाउजेंड लैक का लॉस था लास्ट ईयर फिफ्टी फाइव थाउजेंड लैख का लॉस तो देखिए यहाँ पे एक बड़ा मूव रिलायंस पावर की ओर से देखने को मिला है यहाँ पे पहली बार एक लंबे टाइम के बाद कंपनी आपको प्रॉफिट में देखने को मिल रही है आप देख सकते हैं कि क्वार्टरली वाइज भी कंपनी प्रॉफिट में आई है साथ ही साथ ईयरली वाइज इतना बड़ा अपना लॉस रिकवर करके अब कंपनी आपको प्रॉफिट में देखने को मिल रही है तो काफी जहाँ पे एक शॉकिंग से रिजल्ट आप कह सकते हैं कि कंपनी ने अनाउंस किए है रेवेन्यू कम हुआ है बट अगर प्रॉफिट की बात करें तो एक बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने इंक्रीज किया है डेफिनेटली इस चीज़ का इंपेक्ट आपको स्टॉक में काफ़ी ज्यादा देखने को मिलेगा अगर मैं उसके बाद बात करता तो हूँ अर्निंग पर शेयर की तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आपके पास अर्निंग भी पॉजिटिव में हुई है अकाउंट आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 900 पैसे की अर्निंग हो चुकी है जो कि आपके पास पहले की बात करें तो नेगेटिव में थी टू रूपीज का नेगेटिव था लास्ट ईयर में और लास्ट अगर मैं क्वार्टर की बात करता हूं तो 800 नेगेटिव था लास्ट क्वार्टर में तो एक शानदार रिजल्ट आप कह सकते हैं कि कंपनी ने अनाउंस किए हैं जहाँ कंपनी एक बड़ा लॉस रिकवर करके आपको प्रॉफिट में नजर आ रही है आपको रिजल्ट कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइए और अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें जो सब्सक्राइब कीजिए और बेलाइकन को दबाना मत भूलिएगा धन्यवाद